જીવન જીવવાનું છે એટલે જીવો છો કે વિતાવવું પડે છે? એક મૂંઝવણમાં માર્ગ ના મળે અને પગરવ ત્યાં નવા દુખના થાય છે। પ્રત્યેક સમસ્યાનો પર્યાય સંઘર્ષ અને સમાધાન જ છે। પણ શું આપ ઈચ્છો છો કે સમયના પ્રકરણ તમારી મરજીને આધીન હોય? તો જીવનના પાના ખુશીઓના રંગથી લખશે લાલ કિતાબ। नमस्कार मित्रों, हूँ अरविंदन चौकसी, आप सबनु स्वागत करूँ। मित्रों आज वीडियो में आपनों खूब खूब स्वागत। मित्रों रोजनी जेम आदे पण जोईए आपने आजनो दिवस केवो। तो मित्रों आज तारीख 11 नवेम्बर 2023 शनिवार। तो आजनी शुरुआत पण शुभ रंग थी करीए। मित्रों आज छे ने ब्राउन कलर तमने फायदो आपी जाए। आपणो अंजीर आवे ने अंजीर जेवो ब्राउन कलर आपणने फायदो आपे। आजना अनुकूल देवता विष्णु ने ब्रह्मा। आजनी शुभ धातु सोनू। आजे शरीर में प्रभावित थनारू अंग आपनु मगज। आजनो शुभ पदार्थ हळदर अने केसर। आजनु शुभ अन्न पीड़ी दा। शुभ द्रव्य घी। आजनु भाग्यवर्धक पुष्प पित्त पुष्प अने हजारी फूल। आजनी भाग्यवर्धक सुगंध कस्तूरी अने केसर। तो मित्रों हवे जो आपणे ग्रहो आपणा माटे शुं लाव्या। सूर्य। सूर्य आज सातमा स्थान में गोचर करता देखाय। तो मित्रों आज प्राइवेट नौकरी करता होय तो थोड़ो नरम स्वभाव राखजो, नहीं तो नुकसान थशे। ने सरकारी नौकरी में हो तो थोड़ो स्वभाव गरम राखजो। आज परिवार में कई नानी मोटी समस्याओ आवे, कलेश कंकाश थई शके छे। आज तमारू गृहस्थ जीवन थोड़ो डिस्टर्ब थतु देखाय। चंद्रमा। चंद्रमा आज पांचमा भाव में गोचर करता देखाय। तो मित्रों आज छे ने तमारी वाणीनो कंट्रोल गुमावता नहीं। पांचमा स्थाननो चंद्र हमेशा आपने वाणी प्रत्ये कड़वा बनावे छे। तो आज कड़वी वाणी आपना नुकसाननु कारण बनी सके छे। आज छे ने तमने धार्मिक भावनाओं में आस्था नहीं। आज धर्म थी दूर रहेवानी कोशिश करजो, एवुं नहीं करता, दर्शन चौक्कस करजो। आज तमने तमारी दीकरीनी चिंता सतावी सके छे। जेने त्यां दीकरी होय ते लोकोए आज दीकरीनी चिंता करवी पड़े। मंगल। मंगल आज सातमा भावमां गोचर करता देखाय। आज तमारी बहन दीकरी फोई साड़ी आवा पात्र तमारा घरे आवे तो घर में कई नानी मोटी समस्याओनु सर्जन थतु देखाय। आ आगमन तमारा परिवार अने एमना परिवार बन्ने माटे अशुभ साबित थई शके। आजे बने त्यां सुधी कोई पण प्रकारनो वाद विवाद अने झगड़ाथी दूर रहेवानुं। बुध। बुध आजे सातमा स्थानमां सूर्य अने मंगल साथे गोचर करता देखाय। तो मित्रों आजे कोईपण कार्य में खोटो प्रभाव आवी शके। आज चपटी खांड खाई ने दिवस की शुरुआत करशो तो थोड़ी राहत रहेशे। आज कोईपण काम भागीदारी में करता पहला सावधानी राखजो, नहीं तो तमने धोखो मिली सके। गुरु। गुरु आज पहला स्थान में गोचर करे। गुरु नो प्रभाव आज अपने शीखवामां अथवा शीखवामां रस लेता करी दे। बन्ने वस्तु सारी छे, जे योग्य लागे ते जीवन में अपनावजो। આજે શિક્ષા સંબંધિત કાર્યોથી પણ લાભ મળતો દેખાય। આજે નશાથી દૂર રહેવું ખૂબ જરૂરી। આજે છે ને તમારે બધા સાથે સારા સંબંધ નિભાવવાના, સંબંધોમાં મીઠાશ ઉમેરવાની તો ફાયદો થાય। શુક્ર। શુક્ર આજે ત્રીજા સ્થાનમાં ગોચર કરતા દેખાય છે। તો મિત્રો આજે તમને સ્ત્રીઓથી લાભ મળી શકે છે, તો આ કાળજી રાખજો। આજે पत्नी साथ भेगा थी ने कोई काम चालू करो छो तो फायदो थाय। शनि। शनि आज बीजा स्थान में गोचर करता देखाय। तो मित्रों आज है ने शनि तमारा में एक अलग प्रकार की भावनाओं उभी करे। समाधानकारी वलन अपनावी ने तमे तमारू काम पूर्ण करवानी खूब सरस कोशिश करशो। आज लोखंड कोलसो चामडू मशीन आ बधाथी तमने फायदो मळी शके। ते सिवाय आजे घरना वडीलो तरफथी पण तमने सारा आशीर्वाद मळे। राहु। राहु आजे चौथा स्थानमां गोचर करता देखाय छे। आजे ઘરના વડીલો તરફથી ખૂબ સારા આશીર્વાદ મળે। આજે આપણી આર્થિક પરિસ્થિતિમાં સારો એવો સુધાર આવે। આજે માતા અથવા સાસુ તરફથી પણ આપણને લાભ થાય। આજે આપણને મળનારી ભૌતિક સુવિધાઓ વધતી દેખાય। કેતુ. કેતુ આજે ત્રીજા સ્થાનમાં ગોચર કરતા દેખાય. આજે તમે તમારી પોતાની અને પોતાના ભાઈઓની ભલાઈની પ્રાર્થના પ્રભુને કરશો. આજે જો કોઈ યાત્રા કરવાની છે તો યાત્રાથી સારો લાભ મળે. આજે જો તમે કોઈ સરકારી વિભાગમાં નોકરી કરો છો તો એમાં પ્રગતિ થતી દેખાય છે. તો મિત્રો આ તો તમારા માટે
આજનો દિવસ કેવો એનું સંપૂર્ણ વર્ણન. તો મિત્રો આજનો વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરો, શેર કરો, યુટ્યુબ જોનારા શેર કરે અને સબસ્ક્રાઈબ કરે. વર્યોદન ચોકસી આપ સૌની રજાનો ફરી મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી જાણકારી સાથે. તો ચાલો બદલીએ જિંદગી. નમસ્તે.